नमस्कार तुसे लगे रे देखते लाइव टाइम्स टीवी तो सकने हावी वर्षा कने पेश आज का न्यूज़ बुलेटिन। कांग्रेस घूस मामले की कितनी निंदा, बोलिया सीबीआई जो सौंपनी चाहिए जांच। टैक्सी चालकारी सरकार ते मांग, ग्रीन जोन अंदर टैक्सी चलाने की दे अनुमति। अगिरी भेंट चढ़िया मकान कने जुगिया लाख खरा हुआ नुकसान। छात्र संगठन एनएसयूआई रे प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह, शिक्षा मंत्री पर लाए आरोप, बोलिया दो दिन अंदर बदली ता अपना बयान। टेंपू मंज लुखी के चल रहे 38 प्रवासी मजदूर, पुलिस से किते क्वारंटाइन। जमीना कने पानी री निकासी ओ लेके दो परिवार अंदर चले डंडे। ऐसा कमर्शियल ब्रेक का बाद देखा खबरा विस्तार कने। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एचपी मिल्कफेड, शुद्ध खाएं स्वस्थ रहें। एबे खबरा विस्तार कने। कांग्रेस घूस मामले की कितनी निंदा, बोलिया सीबीआई जो सौंपनी चाहिए जांच। स्वास्थ्य निदेशका ते जुड़ रहे कथित घूस मामले अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार ते सीबीआई ते जांच कराने की मांग की। इस पूरे मामले देव भूमियों शर्मसार करने वाला दस्या। मीडिया ते गल करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय सोलंकी बोलिया कि वैश्विक महामारी अंदर इस प्रकरणा ते शर्मसार की। तिने बोलिया कि इस पूरे मामले की गंभीरता ते जांच होनी चाहिए और इस मामले अंदर जुड़ रहे सभी लोग का जो बेनकाब किया जाना चाहिए। तिने बोलिया इस मामले की जांच जो सीबीआई जो सौंपना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आई सके। कांग्रेस सारा बोलना आया कि इस मामले अंदर कुछ बड़े नेतारे भागीदारी की गल सामने आया करें, एड़े सभी नेतारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए। सौगी तिने बोलिया कि इस मामले की निष्पक्षता ते जांच करी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो अपनी ईमानदारी की छवि का परिचय देना चाहिए। सोलंकी बोलिया कि अगर जांच सही तरीके कने होगी तो इस मामले अंदर बड़े नाम सामने आउने। टैक्सी चालकारी सरकार ते मांग, ग्रीन जोन अंदर टैक्सी चलाने की दे अनुमति। प्रदेश सरकारे टैक्सी चालका जो ग्रीन जोन अंदर टैक्सी चलाने की अनुमति दे करी, लेकिन कुल्लू जिला रे टैक्सी चालक क्वारंटीना री शर्त तारी गल्ला जो हटाने जो बोला करे। टैक्सी चालका रा बोलना आया कि ग्रीन जोन वाले पूरे प्रदेश अंदर तीनों चलाने की अनुमति दी जाए। कुल्लू रे मुख्यालय स्थित ढालपुर टैक्सी स्टैंड टैक्सी चालके इस विषय जो लेके चर्चा की। तिने बोलिया कि जे कोई टैक्सी चालक एक ही जिले से दूजे जिले अंदर जाए तो इस जो वापस आने पर क्वारंटीन होना पवा, एता ते तिनारी आर्थिकिया पर बुरा असर पाया करा। अगर कुल्लू ते कोई टैक्सी चालक मंडी जाए तो इस जो वापस आई के 14 दिन कटनी क्वारंटीना पर रहना पवा। इनारी मांग है कि क्वारंटीन बंद होना चाहिए, नहीं तो इस तरीके ते इना जो अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाना। अगिरी भेंट चढ़िया मकान कने जुगिया लाख खरा हुआ नुकसान। शिमला रे समरीला भ्यागा 4 बजे लगभग आग लगने ते लाख पूरा नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अग रेलवे स्टेशन सौगी न्यू कूलर हाउस समरीला अंदर लगी। ये 3 मंजिला मकान था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कने आग पर काबू पाया। आग एटी के अंदर लगी, जिदी मंज 2 बेडरूम फर्नीचर बिस्तर जली के राख हुई गए। अनुमान लाया करें कि इदी मंज 12 से 15 लाख का नुकसान हो गया। तेथी पुलिस चौकी संतोष गढ़ारे तहत स्वा नदी रे किनारे स्थित आधा दर्जन प्रवासी मजदूरा री झुग्गी झोपड़िया आगी री भेटा चढ़ेगी। इस घटना अंदर करीब 55,000 री नकदी सौगी झुग्गिया रे अंदर रखीरा सारा सामान जड़ी के राख हो गया। प्रवासी मजदूरे हैंडपंपा रे पानी के आग बुझाने की कोशिश की पर सारी मेहनत बेकार होगी। आगे लगने की सूचना मिलते ही डीआरडीए सौगी पुलिस सारी टीम भी मौके पर पहुंची। डीआरडीए अधिकारी जेथी प्रवासी मजदूरा जो राशन दिता तेथी पुलिस सारी टीम ने घटना स्थल की पूरी जानकारी जुटाई। छात्र संगठन एनएसयूआई रे प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह, शिक्षा मंत्री पर लाए आरोप, बोलिया दो दिन अंदर बदली ता अपना बयान। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई रे प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकरे प्रदेश सरकार रे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पर आरोप लांदे हुए बोलिया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम रे दौरान संकटारी इस घड़ी अंदर प्रदेश भरा रे निजी स्कूला रे बच्चा ते लीती जाने वाली मासिक फीस माफ करने जो लेके सरकार को स्टैंडर्ड नहीं आया। तिने शिक्षा मंत्री जो आड़े हाथे लेंदे हुए बोलिया कि शिक्षा मंत्री दो दिन भीतर अपना बयान बदलीता, सौगी ए निजी स्कूल अंदर पढ़ते लगी रे बच्चा रे अभिभावक फीस माफी जो लेके असमंजसा अंदर आए। ठाकरे बोले कि फीस माफी रे इस गंभीर मसले जो लेके सरकारो जल्दी ते जल्दी अधिसूचना जारी करनी चाहिए। शनिवार सरकार री तरफा ते लिखी गए फीस माफी रे कैबिनेट फैसले जिस रे अंतर्गत निजी स्कूल ए बे ट्यूशन फीस ले सकाए, ई धीरा विरोध करते हुए बोलिया कि ए फैसला बिल्कुल भी न्याय संगत कने तर्क संगत नहीं आया। टेंपू मंज लुखी के चल रहे 38 प्रवासी मजदूर, पुलिस से किते क्वारंटाइन। देर रात NH21 चंडीगढ़ मनाली पर बिलासपुरा रे कलर अंदर दवाइया रे टेंपू मंज लुखी के जांदे लगी रे विभिन्न राज्य रे 38 प्रवासी मजदूरा जो पुलिस से पकड़ी के क्वारंटीन किता।
जानकारी के मुताबिक पानीपत से एक टेंपो दवाइया लेके आंदा लग रहा था। सौगी ब्रह्माणा लखनपुरा ते प्रवासी मजदूर इदी अंदर सवार हुई के चोरी छिपे अपने घर जो चले रहे थे। जी आई पुलिस जो इदिरा पता चलिया तिने इस टेंपो जो रोकी के प्रवासी उतारे कने ते तबाद तीनों HRTC री बस सारे माध्यमा ते बिलासपुर भेजता जिथे तीनों क्वारंटीन की तिरा। प्रवासी आरा बोलना आया कि इसे पैदल ही घरों चली पड़े थे क्योंकि इनारा राशन भी खत्म हो चुकी रहा कने किसी भी तीनों राशन इकट्ठा नहीं पूछा। जमीना कने पानी री निकासी लेके दो परिवार अंदर चले डंडे। मंडी शहर असौगी लगदे सनियारड़ी ग्राव अंदर भ्यागा दो परिवार मंजब जमीना कने पानी री निकासी लेके विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अंदर जमी के डंडियारी बरसात होगी। इस मारपीट अंदर दोनों पक्षा रे दो लोगों आंशिक चोट आई री। पुलिस दोनों री शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तेथी मारपीटारा वीडियो भी सामने आई गिरा। मुरारी लाला रे अनुसार जेबे भ्यागा से अपनी जमीना री सफाई करदा लग रहा था तेबे कुसुम कने ते सारे परिवार रे लोके विरोध करना शुरू करता। मुरारी बोलिया कि जमीन तेसरी आई कने दूजा रे घर ते निकलदा लग रहा गंदा पानी तेसरी जमीना अंदर खुले अंदर सटना लाई रहा। इसे गला जो लेई के दोनों अंदर विवाद शुरू हो गया। देखते देखते दोनों गुटा अंदर डंडे बरसना शुरू हो गए। तेथी मुरारी लाले आरोप लाया कि दूजे गुटारे कहने पर जिला राय एक भाजपा विधायक भरवारी इस मामले अंदर हस्तक्षेप करा। सौगी पुलिस पर भी मामले जो दबाने रा दबाव बनाने रा प्रयास करा। तिने CM जयराम ठाकरे ते इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तय था आज का न्यूज बुलेटिन। देखते रहे लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद।